हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप इंस्टाग्राम रील्स पर इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो कैसे बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता हो कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी सारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, तो दोस्तों अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम रील्स पर सारी वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है कान मास्टर। तो आपको कान मास्टर ऐप की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके कान मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद कान मास्टर ऐप को ओपन करना है। कान मास्टर ऐप ओपन करते ही गाइस, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपको वीडियो को बनाने के लिए पर्सनल ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारेसो 60 की साइज को सिलेक्ट करना है। गाइस, आपको लेफ्ट साइड में एक सेटिंग वाला आइकन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एडिटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है फिल स्क्रीन, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही गाइस आप जो भी यहाँ पर फोटो वॉलपेपर सिलेक्ट करेंगे आपके ऑटोमेटिक वॉलपेपर फुल स्क्रीन में लग जाएंगे। तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस, मीडिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको इस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर गाइस हम इस वॉलपेपर को सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से गाइस आपको वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको वॉलपेपर के लिए क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसकी लेयर को खींच कर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। फर्स्ट पोजिशन पर आ जाना है, लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इस समय एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। तो इस तरह से गाइस आपको ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींच कर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। यहाँ से गाइस आपको नीचे जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको क्रोमा की वाले ऑप्शन को इनेबल कर देना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है की कलर, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको ग्रीन कलर को इसमें सेलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो जाएगी। अब गाइस आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आपको एक पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को इसमें सेलेक्ट करना है। आपको इस पार्टिकल इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिंक पर क्लिक करके इस पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको पार्टिकल इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको इसको खींचकर फुल स्क्रीन में इस तरह से लगा देना है। यहाँ से आपको नीचे चले जाना है। नीचे एक ऑप्शन मिलेगा ब्लेंडिंग, इस पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। गाइस आपको लास्ट वाले लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद मीडिया पर क्लिक करना है। यहाँ से गाइस आपको इसमें एक बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। आपको इस बॉर्डर लाइन की लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको लिंक पर क्लिक करके इस बॉर्डर लाइन को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से गाइस आपको बॉर्डर लाइन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको कैची के ऑप्शन के बगल में एक बॉक्स वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके बॉर्डर लाइन फुल स्क्रीन में लग जाएगी। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। बॉर्डर लाइन के लिए आप क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसको खींचकर थोड़ा सा लंबा कर देना है। यहाँ से आपको इसको डन कर देना है। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। गाइस आपको इस वीडियो को सेव कर लेना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है एक्सपोर्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों, आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स के लिए सारी स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।